कि जिसमें हर रूही चीज पकती है और मोमिया हो जाती है, तेल हो जाती है, और बगैर केमिकल के, बगैर तदाब के और लंबे जोड़े प्रोसेस के, महीनों और हफ्तों के प्रोसेस नहीं होंगे। आपने क्या करना है कि सिंपल कलमी छोरा लेना आधा किलो और कढ़ाई में उसको पिघला लें, तो उसके बाद आपके पास 100 ग्राम जो है वो होना चाहिए तुखम पांग, और 100 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम बलादर यानी कि भलावे। तो जब आपका कलमी छोरा पिघल जाएगा, ये चेक कर लें, ये कलमी छोरा है। कलमी छोरा बस ये है कि पिघलने वाला हो, ये नमक मिला छोरा ना हो। आजकल हमारे ग्रुपों के अंदर बड़ा अच्छा छोरा जो बना के खुद सेल करते हैं उनसे मिल जाता है, या आप खुद इसकी रिसर्च करके जहाँ से छोरा अच्छा हासिल करना है इसको कढ़ाई में पिघलाना है। जब पिघल जाए तो आपने इसके अंदर पहले एक चुटकी हल्दी डालनी है, उसके बाद एक चुटकी भंग के बीज डालने हैं, उसके बाद एक बलादर डालने। जब बलादर डालना है तो ये घूमेगा कढ़ाई के अंदर, और इसके धुएं से बचने के लिए थोड़ा साइड पे हट जाए। तो ये जब सारी चीज़ें जल जाएँ, दाबों को ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद इस दाबों के दरमियान में आपने एक तोला वर्किया रखनी है और उसको 10-15 मिनट चूल्हे के ऊपर पकाना है धीमी आँच पे। जब दाबू के अंदर से दराड़ पड़े तो आप सिमर फार को निकाल के किसी भी प्याली के अंदर रख दें, जो ही उसको नमी लगेगी सिमर फार तेल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप वर्किया रखिए एक तोला, उसको 10-15 मिनट पकाएं, जब ऊपर से दाबू फटेगा तो आप वर्किया को निकाल के किसी कप प्याली में रख दें, तो वर्किया जो है नमी लेकर फौरी तौर पर मोमिया हो जाएगी, उसके कुछ अर्से बाद वो तेल हो जाएगी। तो ये सब दोस्तों की ख्वाहिश थी कि कोई आसान चीज़ हो जो रूही चीज़ों को पकाया भी जा सके और तेल भी किया जा सके। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि आसान टिप पेश की जाए जो हर तबीब की पहुंच में हो, और वो नुस्खा पढ़ के सुन के मजबूस ना हो, डिसआर्ड ना हो, ये मेरे बस का काम नहीं है।